बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले और हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम कायदेंस को और नान कायदेंस को हम दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। कायदेंस टाइम विद शबीर में आज हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद हमजा शफकात, जो कि डिप्टी कमिश्नर है इस्लामाबाद की। बड़ी बेताबी से इंतजार हो रहा था आज के इस सेशन का, और सुबह से जैसी हमने पोस्टर लगाई कि आज हमजा शफकात साहब आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे कि हमने अपने अपने सवाल करने हैं। यकीनन आप अपने सवाल पूछ सकते हैं बजरिया कमेंट्स। आपको बताते चले कि हमजा शफकात साहब कायदेंस तो नहीं है, लेकिन कायदेंस के साथ इनका खासा प्यार भी रहता है, और अच्छी बात हम जहाँ से हमें मिलती है हम उसको पिक करते हैं। हमजा शफकात साहब को कामयाब ऑफिसर माना जाता है, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर माना जाता है, साथ साथ कोऑपरेटिव माना जाता है, बड़े मिलनसार, पाजिज, हमेशा मुस्कुराते बिखेरने वाले, और फिर उससे हट के जो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल है वो भी हमजा शफकात साहब से कुछ सीखे। खासतौर पर ट्विटर पे हमें बड़े एक्टिव नजर आते हैं, जब भी कोई अगर शिकायत करता है इंतजामिया से तो फौरी तौर पे जो है वो आप एक्शन ले लेते हैं उस हवाले से। हमजा शफकात साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से, वफाकी दारुल हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर होने के नाते आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आई फील ऑनर्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि कायदे यूनिवर्सिटी के साथ तो मेरा बहुत ज़्यादा एसोसिएशन हो गई है पिछले 2 साल से। जब भी कोई इशू हो तो मैं वहाँ पे खुद पर्सनली जाता हूँ। कोई वहाँ पे इंक्रोचमेंट के इशूज़ थे, स्टूडेंट बॉडीज़ के कोई इशूज़ होते हैं तो मैं जाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमदा साहब, आज के सेशन में सिर्फ कायदेंस नहीं बल्कि मुख्तलिफ जामियात के तलबा तालबात, बल्कि आपके बैचमेट भी इसको देख रहे हैं, तो बहुत सारी बातें आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज तो खैर पड़े होते हैं फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, और हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखते हैं, लेकिन आज कुछ मजीद हम आपकी ज़िंदगी से बारे में जानेंगे, खास तौर पर आपकी स्टूडेंट लाइफ के हवाले से, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से, उसके बाद जो नौजवानों में आप मशहूर हैं उनको टिप्स देने के हवाले से, चाहे वो CSS हो, PMS हो। तो सबसे पहले बताइएगा ये कि हमजा शफकात साहब अगर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ना होते तो क्या होते, लाइक दूसरा क्या तरजीह थी आपकी लाइफ में? बेसिकली मैंने अपनी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से जब मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग की, तो तब से ही मेरे जहन में यही था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। JIK से मैंने इंजीनियरिंग की, तो प्रॉबेबली अपेरेंटली तो मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो यही मेरे जहन में आता है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में ना होता तो प्रॉबेबली फिर इंजीनियर ही होता। लेकिन अभी जो मेरा शौक है वो ये है कि अगर मैं सिविल सर्विस में मुझे अगर छोड़ना पड़ता है तो मैं शायद वकालत करूं, लॉयर के तौर पे अपने आप को देखता हूं, या फिर प्रॉबेबली जो न्यूज इंडस्ट्री है उसके अंदर शायद चला जाऊं, किसी मीडिया ग्रुप को ज्वाइन कर लूं। तो न्यूज इंडस्ट्री में क्या कोई आपका एंकर बनने का है शौक, या वैसे एज एक न्यूज कास्टर होता है ना दिल में कि मैं भी जरा एंकर बनूं, और जिस तरह मुझसे सवाल पूछते हैं इस्लामाबाद की सफाई के क्या जरूरत है, तो आप भी कभी दिल में ये सोचते हैं कि मैं भी इनसे सवाल पूछूं? मेरे ख्याल से ये तो सभी के दिल में आता होगा कि जी वो आप सवालात जरूर पूछने चाहिए भी, और पूछने का मजा भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम मैं आप सोचता हूँ कि शायद कोई और मेरे में क्वालिटी है नहीं, तो एंकर बनने के लिए तो कोई खास क्वालिटी चाहिए नहीं है, तो वो तो बंदा बन ही सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उसको बनना बड़ा आसान है। हाल बता उसमें कामयाब होना, वो उसके लिए बड़ी क्वालिटीज चाहिए, बड़े लेग्स भी चाहिए, बड़ा आपका मुताला भी आपका ज्यादा होना चाहिए, और ऑब्वियसली क्विक विट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेनी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन अदरवाइज एज क्वालिफिकेशन के तौर पर तो बंदा कर ही सकता है। कॉलेज लाइफ आपकी, आपने बताया GK का, उसके बाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का, खासतौर पर यूनिवर्सिटी लाइफ में आप कैसे स्टूडेंट थे? क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे? असाइनमेंट्स के हवाले से ज़्यादा मार्क्स लेने की आपके में जुस्तजू थी कि जी अगर इसका 5 इसके मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे भी कम से कम 4.5 तो होने चाहिए, क्या इस तरह की कोई ख्वाहिश थी जिस तरह के आजकल के बहुत सारे तलबा तलबात में होती है? यूनिवर्सिटी के अंदर तो मैं आपको बताऊं, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी बिल्कुल एवरेज। क्लासेस से बांक भी मैं मारता था, कभी कोई मेरे टॉप कोई GPA मेरा कोई 3 से ऊपर नहीं होता था, बस 3 के करीब करीब ही होता था, कोई बहुत मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं था, ना ही मैं कोई टीचर्स के आगे पीछे या बहुत ज्यादा क्लास में कोई पार्टिसिपेशन शो करता था, बल्कि अगर मैं अभी सोचूं तो मेरी पार्टिसिपेशन काफी लो रही है कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि CSS की तैयारी में अलबत्ता मैंने बहुत सीरियसली मेहनत की, और उसमें मैंने कोई चीज लूज नहीं जाने दी, पूरा एक साल सही दयानतदारी से हलाल तरीके से मैंने बहुत मेहनत की, और उसके बाद भी जब मैंने NDU से अपना MPhil किया जिसमें मेरा 3.8 GPA आया,
वहां पर भी मैंने प्रॉपर मेहनत की। इस तरह जो मेरे प्रमोशन के एग्जाम्स थे उसमें एक में मैंने टॉप किया सिविल सर्विस अकेडमी में जाके अपने एकेडमिक ग्रुप में, और पूरे पूरे सीएसएस के जो कॉमन था उसमें भी मैं फाउंडेशन टर्म का टॉपर था। इसी तरह जो हमारी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसमें भी फर्स्ट थ्री में था, प्रमोशन में भी टॉप टू में रहा हूँ हमेशा। लेकिन मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में इतना मेहनती और पढ़ाई से बारे में इतना सीरियस नहीं था, लेकिन सीएसएस करने से पहले और फिर उसके बाद से मैंने इस चीज को जरा सीरियस लिया, और अभी भी यही मेरा इरादा है कि अगर मैं कोई और डिग्री परसू करता हूँ तो प्लान यही होगा कि मैं उसको मेहनत से करूँ। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं तो उनको मैं यही कहूंगा कि ऑल्दो मैं अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कोई बहुत ज्यादा सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मेरे मेरी ओपिनियन अब लाइफ के बारे में यही है कि दुनिया में कामयाब लोग वही होते हैं जो बिल्कुल दिल जमी के साथ मेहनत करते हैं। तो जो हार्ड वर्क है ना उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि जी आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी, इट इज इम्पॉसिबल। तो क्या हार्ड वर्किंग आप किसी मखसूस शोबे के साथ कह रहे हैं, किसी भी काम में? मतलब लाइक एक स्टूडेंट का ये मोटो है कि जो उसने सीएसएस नहीं करना, उसने अपने किसी बिजनेस प्लान में जाना है या उसने किसी और चीज की तैयारी करनी है, तो इसका मतलब यह है कि जिसमें आप अच्छे हैं आप उसमें हार्ड वर्किंग का कह रहे हैं, या कोई चीज अडॉप्ट की? जैसे आपको देख के एक स्टूडेंट के जेहन में यह सवाल पाता था कि मैं भी सीएसपी बनूं, तो क्या आप उस सेंस में हार्ड वर्किंग कह रहे हैं जिसमें आप खुद अच्छे हैं उसमें आप हार्ड वर्किंग कह रहे हैं? नहीं, देखिये जो भी आपने जिंदगी में अपना मकसद आप सोच लेते हैं कि जी मैंने इंजीनियरिंग करनी है या मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने सिविल सर्विस करना है, तो अपने मकसद को अचीव करने के लिए एक तो आपके मकसद के हसूल के लिए आपको मेहनत करनी है, और बिल्कुल फिर वो बिल्कुल पैशनेट होके मेहनत करनी है। वो फिर इस तरह की मेहनत नहीं है कि बस डंक टपाऊ काम हो और मैं कुछ छोटे शॉर्टकट्स ढूंढ लूं, वो जी चार वजीफे पढ़ लो तो पास हो जाएंगे, जी दम करवा लो, जी फला दरगाह पे हाजिरी दे दो, या ये चार किताबें पढ़ लो, चार की नहीं। फिर जब आपने हसूल कर लिया कि मैं सीएसएस करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो फिर उसके हसूल के लिए आप दुनिया की हर चीज को पीछे करके फिर आप इसी पे पैशनेट होके अपनी तैयारी करें। और यही चीज अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं, आप अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, दुनिया का कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें अगर आप मेहनत नहीं करें तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। ये पॉइंट है। इसी से बहुत सारी जुड़ी बातें भी हम इससे साथ साथ निकालते रहेंगे। यकीनन आपका टाइम भी बहुत कीमती है, कुछ हमारे ऑडियंस से भी बहुत सारे सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो हम यकीनन उनके सवाल के जवाब भी देंगे। सर आपको देखा यह गया है कि आप जिस भी मौजू पे जाते हैं, चाहे वो टीवी शो हो या सोशल मीडिया हो, ओवरऑल माशाल्लाह आपकी ग्रिप हमें नजर आती है, चाहे वो मजहबी इशू हो या उसके अलावा। क्या ये बुक्स पढ़ते हैं आप? कुछ पांच फेवरेट बुक्स आप अपनी बता सकते हैं जो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो, और सबसे रीसेंट बुक आपने कौन सी पढ़ी है अभी तक? अभी रिसेंटली जो मैंने किताब पढ़ना शुरू की है ना, वो मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, वो है हाशिम नदीम साहब की किताब है अब्दुल्ला। उसका पहला हिस्सा भी है, पार्ट वन भी है, पार्ट टू भी है, और वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने रिलीजन को एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक और सोशल बीइंग को एक्सप्लोर कर रहा है, और तसव्वुफ के रास्ते से होता हुआ, शरीयत के रास्ते से होता हुआ मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस कर रहा है। मुझे किताब बड़ी पसंद आई है। हाशिम नदीम साहब खुद भी सिविल सर्वेंट है, तो उनकी ये किताब अब्दुल्ला मुझे तो बड़ी पसंद आई। उससे पहले जो मेरी अगर आप फाइव फेवरेट बुक्स अगर मैं चूज करना चाहूँ, तो फिक्शन के अंदर मुझे डैन ब्राउन की किताबें बहुत पसंद थी। उसकी तीनों चारों किताबें मैंने पढ़ी, वो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आई। चाहे उसकी डिजिटल फोर्ट्रेस उसकी एक किताब थी, फिर द डेविंची कोड उसकी एक किताब थी, और इस तरह की उसकी वो किताबें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर ऑटोबायोग्राफीज की बात करें तो शहाब नामा जो है ना वो सबको बड़ी पसंद आती है। ऑल्दो अब उस टाइम पे मुझे वो एज ऑटोबायोग्राफी बड़ी पसंद आई थी और बड़ा इंस्पायरिंग किताब है, ऑल्दो बाद में उसके ऊपर बड़ा लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन वो मेरी मुझे बड़ी ज्यादा पसंद आई। उसके अलावा एक बहुत अच्छी किताब है विल डुरां की, द प्लेजर्स ऑफ फिलॉसफी, और द प्लेजर्स ऑफ फिलॉसफी के नाम से भी मार्केट में मिलती है, द मेंशंस ऑफ फिलॉसफी के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। बहुत जबरदस्त किताब है, और मैंने उसको पढ़ के बड़ा एंजॉय किया, इंग्लिश की तैयारी भी थोड़ी बहुत उससे की और थोड़ा फलसफा समझ में आया उससे। उसके अलावा मतलब किताब देखिए, किसी से किसी की फेवरेट बुक पूछना, फेवरेट मूवी पूछना, फेवरेट सॉन्ग पूछना, ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि इतना कुछ बताने को होता है कि
वो फिर बंदा समझ नहीं आती कि चूज क्या करे। लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने की है उसमें वो, उसमें तो मेरे ख्याल है कि मुझे यही पसंद है, यही 3-4 किताबें मुझे बहुत पसंद आई। उससे पहले अगर मैं अपना पुराना जहन में डालूं तो SM इकराम, शेख मोहम्मद इकराम साहब थे, पाकिस्तान की पहली पार्लियामेंट, शुरू की पार्लियामेंट में भी रहे, इंडियन सिविल सर्विस से भी उनका ताल्लुक रहा। उनकी बड़ी अच्छी किताबें आबे कौसर, मौजे कौसर और हौजे कौसर, ये उन्होंने इंडियन हिस्ट्री पे किताबें लिखी, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। बड़ी सिंपल अल्फाज में उन्होंने किताबें लिखी और वो पढ़ने का बड़ा उसका अपना लुत्फ है। उसके अलावा बस यही मेरे ख्याल में, तो अगर किसी का ये सवाल था तो यही मैं फिलहाल तो यही रिकमेंड करूंगा। ये अंग्रेजी बड़ी बाज का मुसीबत बन जाती है मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीएसएस में ना भी जाए, लेकिन फिर भी आपको पता है कि अंग्रेजी बहुत जरूरी हो गई है। आप किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में आप जाते हैं तो अंग्रेजी का जो एक वो एहसास कमतरी, उसके हम शिकार रहते हैं, उससे हम कैसे निकले? कोई मखसूस ऐसी कोई टिप बताना चाहेंगे कि क्या अंग्रेजी वाकई कोई पहाड़ है जिस पर चढ़ने से आप इतने घबरा रहे हैं, या ये ईजी है, इसको इस तरीके से आप डाल सकते हैं अपनी लैंग्वेज की सूरत में? यार आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी जुबान की तैयारी करने के लिए या किसी भी जुबान को सीखने के लिए उस जुबान की अफादियत, उसकी अहमियत, उसकी जरूरत को समझें और वो पता आपके जहन में हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने कुरान शरीफ समझना है तो आपको अरबी सीखनी है, तो आपके अंदर एक वलवला, एक जज्बा आता है कि यार मैं अरबी सीखूंगा ताकि मैं सच तक पहुंच सकूं, मुझे किसी आलिम का, किसी और किताब का सहारा ना लेना पड़े और मैं अल्लाह की किताब को सही तरह से समझ सकूं। ये तो अरबी के लिए, देखें ना, उर्दू है वो हमारी चले मादरी जुबान है, हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है? इंग्लिश अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले 200-250 साल में अगर पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा इनकलाब आया है वो ना कोई कम्युनिस्ट इनकलाब है, ना कोई किसी नए मुल्क का वजूद है, वो इनकलाब इंग्लिश जुबान का नफाज है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की साइंस को इंग्लिश ने टेक ओवर कर लिया है, पूरी दुनिया का फलसफा, लिविंग स्टाइल, पूरी दुनिया की एलीट क्लास अब इंग्लिश जुबान को अडॉप्ट कर चुकी है, इंटेलेक्चुअल साइंस इंग्लिश में आ चुकी हुई है। इसलिए अगर अब अगर कोई इंग्लिश को कहे कि ये तो गोरे की जुबान है और इससे नफरत करे तो वो बिल्कुल, मैं कहूंगा कि वो तो बिल्कुल ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो पहले जब आपको, और आपकी जितनी तरक्की है, चाहे अगर आप पाकिस्तान की सिविल सर्विस को भी उठा के देख लें, हमारी तमाम कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन बाहर के तमाम ममालिक के साथ, हमारा तमाम कानून, हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस की प्रोसीडिंग्स, हर चीज इंग्लिश में हो चुकी हुई है। हमारे शनाख्ती कार्ड अब इंग्लिश में ही है, हर चीज हमारी इंग्लिश। इसलिए पहले तो आप इसकी वादियत को समझ लें कि अगर जो इसको नहीं पढ़ेगा, इसको नहीं अपनाएगा, वो दुनिया में कामयाब नहीं हो पाएगा। एक्सेप्शंस हैं, अल्लाह ताला का जारी बात है, ये तो अल्लाह ताला जिसको चाहे फलाह दे दे, जिसको चाहे कामयाब कर दे, लेकिन मेजोरिटी लोग हमें पाकिस्तान में भी कामयाब आते हैं, बाहर भी कामयाब लोग नजर आते हैं, वो उनको इंग्लिश आती होती है। अच्छा, अब ये तो होगी इसकी बात। अब दूसरी चीज आपने कहा कि क्या ये बहुत मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जुबान सीखना और जुबान को अपनाना तो बहुत ही आसान है। आप मतलब हमारे तो ये जो पुराने इब्ने बतूता वगैरह थे, ये तो जहां जाते थे वहां पे 2-3 महीने में जुबान सीखते थे और वहीं पे किताब भी लिख के आ जाते थे। तो जुबान सीखना कोई नहीं, उसके लिए पैशन चाहिए, जज्बा चाहिए। आपको यूट्यूब के ऊपर ही अगर आप बैठ जाए और डेली 2-3 घंटे अगर आप दें इंग्लिश को सुने, फिर इंग्लिश को पढ़ें और इंग्लिश को लिखें, ये 3-4 अगर काम करें और फिर किसी टीचर से चेक करवाएं, तो यार इंग्लिश को बहुत मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल 3-4 चीजें हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक होना चाहिए, वोकैबुलरी ठीक होनी चाहिए, ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए, बाकी आइडिया तो आपके जहन में कहीं से भी आ सकता है। इन 3 चीजों को अगर आप इंप्रूव कर लें, अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, वोकैबुलरी, टेंसेस को, तो फिर क्या मुश्किल है? फिर कोई इंग्लिश कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो मतलब मेनली मैं, मेरा इसमें सबसे यही गुजारिश है कि इंग्लिश को जरूर पे, इंग्लिश पे टाइम दें इसको, तो फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगी। अगर जैसे अभी किसी और ने ये सवाल पूछा है कि जी हमें बताएं कि जब आप DC नहीं हुए तो उस वक्त क्या मसरूफियत होती है, बच्चों को कितना टाइम देते हैं, तो आपकी होम मिनिस्टर भी हमारी भाभी को आपसे शिकायत क्या होती है, ये सवाल पूछा है मैडम आसिया ने। तो अब देखें, आप जैसे अभी मेरी फैमिली है, मुझे ये इंटरव्यू करना था, तो ये मेरा फैमिली टाइम है जो मैंने अब आप लोगों को दे रहा हूँ। मेरी अभी बेगम मेरे बच्चों को साथ लेके बाहर चली गई है, सैटरडे है, छुट्टी का टाइम भी था, तो वो अब उनको कहीं बाहर खाने पीने के लिए लेके गई हुई है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि
ये जो पोस्ट है ना डेप्टी कमिश्नर की, ये पोस्ट मतलब आपको यही है कि आप एक दो जिले ही करते हैं अपनी लाइफ में और 3 4 साल 5 साल ही आपने इस पोस्ट पे रहना होता है। तो ये 4 5 साल हमारे हर ऑफिसर को पता होता है कि जी इन 4 5 साल में कोई और लाइफ नहीं हो सकती। इस जो इंतजामिया का काम है उसको के 24 आवर्स का काम है, इसमें बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता कि जी मैं अभी वर्जिशें भी कर रहा हूँ और मैं टेनिस भी खेलने जा रहा हूँ और मैं किताबें भी पढ़ रहा हूँ और मूवीज भी देख रहा हूँ और फिर अच्छा इंतजाम भी चला रहा हूँ। नहीं, ये पूरा फोकस और पूरा टाइम मांगती है। तो जब तक मैं इस पोस्ट पे हूँ तो इसमें तो मेरी कोई और सोशल लाइफ डिस्टर्ब है। हाल बताइए कि इसके बाद जब किसी और इदारे में और कई ऐसी पोस्टें होती हैं जो इतनी डिमांडिंग नहीं होती, तो वहां पर बंदा फिर अपना टाइम दे सकता है। एक जी और बड़ा आम क्वेश्चन आया है और मेरे भी जेन में आ रहा था कि इस्लामाबाद वफाकी दारुलहुकूमत एक टाइम पे कहीं एहतजाज हो रहा है तो दूसरे टाइम पे कहीं कोई कोई और वाकया रोनमा हो गया, तो एट ए टाइम बहुत सारे ऐसे वाकयात हो रहे हैं तो सारे के सारे स्ट्रेस देने वाले होते हैं। फिर इसको मीडिया चूंकि इस्लामाबाद में बड़ा इसमें इसको लेके आगे चलता है तो स्ट्रेस में मुस्कराना फिर उसको बड़े ही सॉफ्ट तरीके से उसको हल करना, ये इसकी क्या वजह है? कुछ हमें भी बताया था कि स्ट्रेस में कैसे हम अपने आप को मुस्कुरा सकते हैं, उस स्ट्रेस को हम कहीं दूर फेंक सकते हैं, ये जरा गुरु की बात बता दीजिए। देखें, अगर आप लिटरेचर पढ़ लें इसके ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, या बड़ी स्टीफन कवी की बड़ी मशहूर किताबें हैं हाउ टू बी, यानी वो क्या, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, या अगर आप कोई इस तरह की किताबें पढ़ लें, तो दुनिया के अंदर कामयाब होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका अपने आसाब पर कंट्रोल हो, यानी कि आप मुश्किल सिचुएशन में भी अपना ह्यूमर कायम रख सकें और कितनी भी टेंस सिचुएशन ही क्यों ना हो उस स्ट्रेस को अपने ऊपर सवार ना करें। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस को अपने ऊपर सवार कर लिया फिर तो आप पैनिक से ही आपकी आपका फेलियर हो जाएगा, फिर तो आपको सांस आना बंद हो जाएगा। जैसे वो क्लास्ट्रोफोबिक लोग होते हैं, वो लिफ्ट में बंद होने से, क्यों उनका सांस बंद होता है, इस लिफ्ट से तो नहीं होता, वो अपना दिमाग है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते और वो दिमाग उनके असाब को टेक ओवर कर लेता है। तो इसलिए अच्छे इंतजाम, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो स्ट्रेस को इन चेक रखे, टेंशन को इन कंट्रोल रखे। और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे होती नहीं, मुझे बहुत टेंशन होती है, मैं बहुत स्ट्रेस लेता भी हूं, लेकिन ऑब्वियसली जब हमने चीजें करनी है, जैसे कल आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से जो हिंदूज हैं, पाकिस्तानी हिंदूज हमारे भाई, वो पाकिस्तान में आए हुए थे और वो इंडिया के अंदर जोधपुर में वो जो लोग हैं, 11 लोग हैं जिनका प्रॉबेबली मर्डर हुआ है, जिसको काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहा इंडिया, उसके साथ पूरे इंडिया से, पूरे पाकिस्तान से हिंदूज आए और इस्लामाबाद की रेड जोन में दाखिल हो गए, और उनको रोकना भी था और उनको अनॉय भी नहीं करना था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी नहीं बनानी थी और उनके साथ मुजाकरात भी करना था। अब अगर वहां पे मैं पैनिक हो जाता, टेंशन ले लेता, लड़ाई कर लेता, कोई गलत फैसला कर लेता, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता। तो वहां पे ये बड़ा जरूरी था कि मैं कंट्रोल रखूं। फिर आपको पता है कि वो हिंदूज डिप्लोमेटिक इनक्लेव की एंट्री को तोड़ के अंदर चले गए फर्स्ट टाइम एवर, तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, स्ट्रेसफुल होती है लेकिन फिर अपने असाब पे कंट्रोल रखना होता है। अगर आपका ये सवाल है कि इनको कैसे कंट्रोल रखते हैं, तो फिर उसकी तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो आसान रास्ता है वो तो अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया है, हमारे कुरान शरीफ में भी मौजूद है कि अल्लाह ताला का जिक्र करें, और जिक्र किसी की फॉर्म में भी हो सकता है, अल्लाह किसी को, किसी की मदद करें अल्लाह को राजी करने के लिए, वो भी जिक्र है, नमाज भी जिक्र है, कुरान भी जिक्र है, कोई तस्बीह आप कर रहे हैं वो भी जिक्र है। तो अगर आप जिक्र अल्लाह ताला, यानी कि अल्लाह ताला को याद रखें और अपना फेथ स्ट्रांग रखें, तो खुद ब खुद आपका स्ट्रेस जो है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। ये तो एक होगी। दूसरी भी टेक्निक्स हैं, लोग इसमें देखें मेडिटेशन करते हैं अपने जहन को फोकस रखने के लिए, और नमाज पढ़ी जाती है, बावजू रहने से फायदा होता है, मतलब और फिर उसकी कई टेक्निक्स हैं, वो आप जो मर्जी टेक्निक फिर आपको सूट करती है उसको आप यूज कर सकते हैं। अगला सवाल तफजुल मलिक साहब का है। तफजुल मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप। तफजुल मलिक साहब जो है वो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट भी रहे हैं, मुझे शियाटिका का बड़ा सीरियस मसला है, तो आपका मैसेज आया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारे आपके जो जो चाहने वाले हैं वो यकीनन अपनी विशेष का इजहार कर रहे हैं और आज का ये इंटरव्यू इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि हम इसमें पैरेलल चल रहे हैं, एक साइड पे तो हम आपके प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे हम आपकी कुछ वो बातें जो बहुत सारे लोगों को जानना चाहते होते हैं। अच्छा, लास्ट पे ये कुछ और बातें हम आपसे करेंगे अपने की पर्सनल लाइफ से, कुकिंग का आपको कितना शौक है, क्या कभी खुद खाना पकाने का शौक हुआ?
नहीं, मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, और मैं किसी किसी इंटरव्यू के अंदर मैंने एक दफा झूठ बोल दिया था कि मुझे कुकिंग का शौक है, फिर इंटरव्यूअर ने मुझे बहुत सारी चीजें पहुंची और मैं बड़ा एम्बेरस हुआ। अनफॉर्चुनेटली कुकिंग में मुझे शौक भी नहीं है, और मेरा खाने का कोई बहुत ज्यादा, मैं फंसी भी नहीं हूँ अपने खाने के बारे में, जैसा भी खाना हो मैं खा लेता हूँ, और कुकिंग की भी नहीं। हालांकि मैं अकेला रहा हूँ, मेरी जब शुरू में सिंध में पोस्टिंग थी, मैं 8वीं जमात से हॉस्टल्स में रह रहा हूँ, लेकिन मैं वो क्या कहते हैं, कुकिंग अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा स्किल है जो मैं नहीं आता मुझे। इस्लामाबाद के लोगों से कोई से 3 शिकायतें आपको क्या है? मैं आपको बताऊं, मेरी बलूचिस्तान के अंदर भी ट्रेनिंग रही है, मैंने पशीन में रहा हूँ, ज़ियारत में, कोटा में, लोरेलाई में, सिंध के अंदर 3.5 साल रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में रहा हूँ, पंजाब, वैसे मेरा वो है मतलब होम टाउन मेरा पंजाब से है, और मेरे इन लॉज KPK से हैं, तो मैं पाकिस्तान में घुमा हूँ काफी। मैं आपको बताऊँ, इस्लामाबाद के लोग बेहतरीन लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग। एक शिकवा जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे है इस्लामाबाद में, कि यहाँ पर लोग क्लास कॉन्शियस बहुत हैं। मतलब जो इलीट क्लास है वो भिखारियों की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती, वो ये नहीं सोचते कि यार कि कोई बंदा कितना मुश्किल है, किसी के लिए भीख मांगना, किसी के सामने हाथ फैलाना, बगैर जूतों के किसी सिग्नल पे 4 घंटे धूप में सड़क पे खड़ा होना कितना मुश्किल है अपने छोटे बच्चे को लेकर। लेकिन यहाँ की जो अशराफिया है उससे मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि वो बहुत ज्यादा एहसास, मतलब क्लास कॉन्शियस है, एहसास नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड रहम दिल भी उतने ही है। यानी कि अगर फिर हम एक्शन लें और किसी कच्ची आबादी को हम कहें कि ये इलीगल आबादी है इसको हटाएं, तो उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये बड़ी हम बड़ी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। एक तो ये शिकायत है, दूसरी यह है कि इस्लामाबाद देखिए इतना प्लान्ड सिटी है, लेकिन लोग फिर भी जो हमारे म्यूनिसिपल बायलॉज हैं, मतलब वो लिटरिंग से बाज नहीं आ रहे, पानी के गलत इस्तेमाल से। मैंने अभी भी देखता हूँ कि आपके घरों में जो पानी दिया जाता है वो आपको पीने का पानी होता है जो फिल्टर करके, आपको पता है, सिमली डैम से और खानपुर डैम से आता है, और लोग उस पानी पे आगे से ना वो पूरी पूरी गाड़ियां धो रहे होते हैं, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट। उसमें कई दफा हमने ट्रेनिंग दी है कि आप एक बाल्टी में पानी डालें, उसमें कपड़ा लें, और उस कपड़े से आप गाड़ी को साफ कर दें, वो उतनी ही साफ होगी जितना आप उसके ऊपर आधा घंटा पानी मार के सैकड़ों गैलन जाया कर देंगे। तो पानी का ज्या, लिटरिंग करना, फिर ये क्लास कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है। बाकी तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के अंदर और कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके साथ पिंडी है, तो मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि पिंडी बॉयज है, मुझे तो बहुत पसंद है, और मुझे फॉर्चुनेटली मैं शायद कुछ अरसे में पिंडी खुद भी मूव हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे सरकारी घर कहीं पिंडी में लौट हो गया, तो अब तो मैं खुद अच्छा, भी पिंडी बॉय बनने लगा हूँ। तो क्या वो वन वन व्हीलिंग करते हो भी? आपको पसंद है पिंडी बॉयज? नहीं, कानून तो जो भी तोड़े, चाहे वो वन व्हीलिंग हो, हेलमेट ना पहनना हो, सीट बेल्ट ना हो, लिटरिंग करना हो, धुएं वाली गाड़ी हो, या कहीं दरख्त तोड़ना हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं, उस पर तो सख्त एक्शन मैं लेता भी हूँ, और बहुत सख्ती से मैं मना करता हूँ। हेलमेट के ऊपर मैंने बड़ी सख्ती की अभी अनफॉर्चुनेट, फिर हम क्योंकि और तरफ हमारे ध्यान चला जाता है वो पीछे मुंह है, भाई हम दोबारा बड़ी सख्ती मूव शुरू करने लगे हैं हेलमेट के बगैर और वन व्हीलिंग, ये तो रैश ड्राइविंग जो है वो किसी सूरत हम इस्लामाबाद में अलाउ नहीं करते। और इसके बावजूद आप देखें इस्लामाबाद में हर रोज 2 या 3 एक्सीडेंट हो जाते हैं, और लीथल एक्सीडेंट हो जाते हैं, हफ्ते में 2-3 डेथ्स सिर्फ इस्लामाबाद में हो जाती हैं। तो अच्छा, आजकल SOPs के हवाले से क्या इस्लामाबाद में हो रहा है? तामन खास तौर पर यूनिवर्सिटीज खुली है इसमें, चाहे कायदे आजम यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, बाकी हो, तो मुतमिन है आप लोग कि क्या बाकी इस्लामाबाद में अब लोग SOPs के हवाले से अमल कर रहे हैं? लोग नहीं, SOPs पे अमल नहीं कर रहे। असल में इतना सख्त 6 महीने का टाइम गुजरा, उसमें लोगों ने बड़ा कॉपरेट भी किया। इस्लामाबाद में तो हमने 700-700 पर डे केसेस हो गए, और हुकूमत ने फैसला किया कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी सारी इस्लामाबाद में आएंगी, और इस्लामाबाद हब भी है पब्लिक मूवमेंट का, सारों ने जिसने मरी जाना है इस्लामाबाद से होके जाना है, जिसने वापस आना है नॉर्थ से इस्लामाबाद से होके जाना है। हमारे लिए बड़ा चैलेंज था और हम इसको बड़े हद तक कम कर ले, हमने तो 4 केसेस पर डे पे हम इसको ले आए। लेकिन ऑब्वियसली अब स्कूल भी खुल गए हैं, मदरसे भी खुल गए हैं, मस्जिद भी खुल गई हैं, शादी हॉल भी खुल गए हैं, मार्किट्स भी खुल गई हैं, यूनिवर्सिटीज भी खुल गई हैं, तो अब ये दोबारा केसेस थोड़े स्पाइक आई हुई है, अब हम दोबारा 35-45 केसेस पर डे हमारे आ रहे हैं, और इसमें लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि अभी अभी क्योंकि डेथ्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रही,
और जो वायरल लोड है वो भी कम है। लेकिन फिर भी मैं इस फोरम पे सबसे इल्तिजा यही करूंगा कि वो SOPs को मत भूलें, कोशिश करें कि आप अपने आप को फिजिकली डिस्टेंस जरूर रखें, लोगों के इतने करीब मत जाएं, हाथ अपने धोते रहें, और जहां पॉसिबल हो मास्क 24 घंटे पहनना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब जहां भी पॉसिबल हो मास्क जरूर पहने। ड्रेसिंग के हवाले से जिस तरह हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर को देखा जाता है कि ड्रेसिंग बड़ी बेहतरीन करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपके बारे में भी कहा जाता है कि ड्रेसिंग की जो मैचिंग है, चाहे वो वेस्ट कोट हो, चाहे वो कोट पेंट हो, टाई हो, एक बड़ा वो लगता है। तो क्या ड्रेसिंग का शौक है, फिर शॉपिंग खुद करते हैं, या कहीं से गिफ्ट शिफ्ट आ जाते हैं कि DC साहब आए तो चले जी? अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब तो वाकई बहुत वेल ड्रेस्ड, बड़े ही नफीस, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं सच्ची बताऊं, मैं तो बड़ा फैन हूं, और मैं बताऊं कि वो जितने नफीस लगते हैं उतने ही वो सख्त डिसिप्लिनेरियन भी हैं। जितना उन्होंने सख्ती से यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन लाने पर मेहनत कर रहे हैं, इसकी वॉल्स बनाने पर मेहनत कर रहे हैं, इसके अंदर से इलीगल इंक्रोचमेंट खत्म करने से मेहनत कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारी तमाम बुराइयों की जड़ है, फिरका परस्ती, फिरका वारियत, और ये प्रोविंशलिज्म, ये जो माशरे में सोसाइटीज को, स्टूडेंट्स को तोड़ने की जितनी भी आइडियोलॉजीज है उसके खिलाफ भी ये बड़ा जिहाद कर रहे हैं। तो खैर, वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा जहां तक ड्रेसिंग है, मेरे गिफ्ट शिफ्ट कोई नहीं है मैं लेता। मेरी ड्रेसिंग बेसिकली मेरी मिसेज है, मैं उसी को क्रेडिट देता हूँ कि वही कोई मैचिंग करके बना लेती, वरना मेरे में बिल्कुल सेंस नहीं है। यूनिवर्सिटी में मैं बिल्कुल ऐसे ही वो चेक वाली शर्ट पहनता था, दाढ़ी मैंने रखी होती थी, जैसे मतलब आपने भी मेरे थोड़ी बहुत रखी, मेरी भी ऐसे दाढ़ी शाड़ी होती थी और बाल शाल लंबे होते थे, तो मैं बड़ा एक केयर फ्री सही होता था। तो थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि यार मूवीज के बारे में और ये लिटरेचर के हवाले से कोई सवाल ना पूछना चाहे, मैं दोनों को साइड पे कर देता हूँ। कोई कभी स्ट्रेस भी होता है, कोई ड्रामा श्रामा देखने का कर पड़ता है मूड के, यार ये अर्तुगुल ही चलो देख लूँ, बाकी चलो कोई नहीं इसको भी देख लूँ एक दो किस्तें क्या होता है, वो ऐसा है शौक थोड़ा सा? सर यार मुझे, मैं आपको सही बताऊं, मुझे वाकई टाइम नहीं मिलता, और अगर कभी स्ट्रेस हो ना तो स्ट्रेस में तो फिर बिल्कुल ही मेरे से वो टीवी या ये तो देखे नहीं जाता, क्योंकि ये तो मजीद स्ट्रेस बनता है। स्ट्रेस में तो बंदा यही है कि अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करे, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बनाए। जहां तक आपकी ये बात है, लेकिन जब भी मुझे कोई टाइम मिलता है, जैसे अभी रात को खाना खाना और मुझे टाइम मिल जाए, मैं घर में आ जाऊँ तो अपनी बेगम के साथ टीवी देख लेते हैं, या फिर मैं नेटफ्लिक्स सोते वक्त अगर मुझे ट्विटर के ऊपर मैं सवालों के जवाब दे रहा हूँ या देख रहा हूँ तो कभी कभी मैं नेटफ्लिक्स लगा लेता हूँ। लेकिन अर्तुगरुल मैं नहीं देख सका, उससे पहले मैंने देखे हैं, मुझे बड़े पसंद है गेम ऑफ थ्रोन्स, मुझे बड़ा पसंद था, या फ्रेंड्स पुराने जमाने का सीजन मुझे बड़ा पसंद है, और अभी भी कभी कभी नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी हो तो मैं देख लेता हूँ। अभी रिसेंटली जो मैंने मूवी देखी है, अभी रिसेंटली मुझे याद नहीं आ रही कि अच्छी मूवी, क्योंकि काफी अरसे से यार मेरे जहन में अभी कोई मूवी नहीं आ रही जो मैंने अच्छी कोई देखी हो, जो बड़ी मुझे बड़ी इंस्पायर की हो, लेकिन मैं देख लेता हूँ, नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ। तो ये तो मूवीज की भी बात होगी, अब मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे आपसे 30 मिनट मिले हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं 35-36 मिनट पे इनको इसे वाइंड अप कर दूँ। स्टूडेंट्स शॉर्टकट की इसमें तलाश में रहते हैं, सारे लोग CSS की तरफ चल पड़े हैं, मतलब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, GT है, NUST है, वहाँ पे जो बच्चा BS में आता है तो वो पहला सवाल ये करता है यार मुझे वो सब्जेक्ट्स बताएं जो CSS में मेरी हेल्प करें, वाई CSS? CSS के अलावा क्या कोई और प्रोफेशन नहीं आपकी नज़र में? से नहीं, पाकिस्तान में तो यार देखें, पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं हमारे, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अब डॉक्टर इंजीनियर तो सदा बहार है ना, वो तो हमेशा ही पाकिस्तान, अभी इस्लामाबाद के भी जो रिचेस्ट लोग हैं, कामयाब तरीन लोग हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इसी तरह इंजीनियर्स हैं, इनकी अपनी फर्म्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और मेरे ख्याल में तो अगर किसी ने अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी रखनी है तो अपने जहन में बिजनेस करना तो अभी भी बेहतरीन काम है, आपके अंदर इंडिपेंडेंस होती है और आपकी मेहनत का आपको फल भी मिलता है, बाकी में तो मसाइल हैं। लेकिन सिविल सर्विस में क्या अच्छी बात है, देखें सिविल सर्विस में अच्छी बात यह है कि आपको बड़ी ही कम एज पे लीडरशिप की पोजीशन दी जाती है, मतलब आप AC लग जाएं, ASP लग जाएं, फॉरेन सर्विस में चले जाएं, तो आपने और वो ऐसी आपके पास इख्तियार होता है कि आप बेहतरी कर सकें, बहुत ज्यादा बेहतरी कर सकें, और एज ए मुसलमान तो हमारा हमारा फेथ ही ये है कि यार हम अगर बेहतरी करते रहेंगे, तो आपको पता कुरान में भी अमर बिल मारूफ व नहीं अल मुनकर के, तो अगर हम बेहतरी करते रहेंगे तो हमारी दुनिया भी बनती रहेगी और क्यामत के बाद भी उसका फायदा है। तो सिविल सर्विस तो एक तो ये कि बड़ी कम एज में आपको रिकग्निशन देती है,
आपको इतनी अथॉरिटी देती है कि आप बेहतरी लेके आ सके, और बेहतरी लेके आने से आपकी दीन और दुनिया दोनों उसमें कामयाबी मिलती है आपको। फिर इसमें प्रेस्टीजियस है, जो भी है, लोग अभी कहते हैं जी करप्ट है सिविल सर्विस और ये पुलिस वाले ये हैं, जो डीसी बड़े ये हैं, लेकिन जो भी है बाय एंड लार्ज लोग रिस्पेक्ट करते हैं अभी भी। अगर मैं स्कूल में भी जाऊं, बच्चों के साथ मिलूं, यूनिवर्सिटीज में भी जाऊं, स्टूडेंट्स के साथ मिलूं या किसी ऑफिस में जाऊं, तो लोग जनरली एज अ सिविल सर्वेंट मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरा यह है कि मेरी जो पहचान मुझे मिली है, यानी कि अगर लोग मुझे जानते हैं तो सिविल सर्विस की वजह से जानते हैं, तो मतलब ये प्रेस्टीजियस भी है, रिकग्निशन भी इसमें है, बेहतरी करने के मौके भी हैं, और ये अच्छा आपको करियर, अच्छा करियर इस तरह से है कि देखें सरकारी नौकरी में बेशक तनख्वाह कम है, लेकिन वो तनख्वाह जो है वो पेंशन की सूरत में तो आपको मिलती है, पोस्ट रिटायरमेंट भी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे हुकूमत पाकिस्तान पहले सैलरी देगी और फिर पेंशन देगी, और जब मैं नहीं होऊंगा तो जब तक मेरी बेगम जिंदा रहेगी तो उसको पेंशन मिलेगी, और अगर वो भी नहीं होगी तो जब तक मेरी बेटी है उसकी जब तक शादी नहीं हो जाती तो उसको भी पेंशन मिलेगी। तो हुकूमत पाकिस्तान फिर आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी और कई चीजों पे खर्च तो करती है, तो ये भी बड़ा ही अच्छा करियर है सिविल सर्विस भी। लेकिन कतई तौर पे ये कहना कि जी सिर्फ यही अच्छा करियर है, ये बड़ी गलत बात है, और बड़ी तेजी से दूसरे करियर बहुत आगे चले गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया के अंदर आपका अगर करियर है, आप अच्छे प्रोफेशनल एंकर पर्सन है, जिस तरह की उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, उनकी न्यूसेंस वैल्यू है, इस तरह आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर जाना या आप कोई और इदारों में जाना, नैब में, FIA में, IB में, बिल्कुल इन सब के अंदर बहुत ज्यादा इनकी अच्छी इसमें इज्जत है, इसमें आप जा सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बार बार मेरे से दो तीन खवातीन ने भी नीचे पूछा और दो स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आपकी। रिसेंट में आपको सदर मुमल्कत ने जो है वो बेस्ट अचीवमेंट का अवार्ड दिया है और फिर बड़ा उसको खुशी हुई सब लोगों को। आई थिंक यू आर दी ओनली DSC DC डिप्टी कमिश्नर जिनको ये अवार्ड मिला है और फिर सदर मुमल्कत ने दिया है, तो क्या ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी आपकी बचपन से? क्या कोई आइडियल था आपका, आपका उस्ताद या कोई रिश्तेदारों में से या कोई दोस्तों में से? आइडियल्स बहुत से थे और आइडियल्स चेंज होते रहे, और मेरा ख्याल है सबके आइडियल्स चेंज होते रहते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पहले आप बचपन में आप कुछ और बनने का शौक होता है, फिर जैसे जैसे आप दुनिया देखते हैं तो आपके आइडियल्स, आइडियल पर्सनालिटीज भी चेंज होती रहती हैं, और आपके अपनी जिंदगी के भी जो आइडियल्स हैं वो चेंज होते हैं। 20s में आपको और चीजें पसंद होती हैं, अभी जब मैं 40 के करीब हूँ तो अब जाहिर बात है मेरे लिए अब और आइडियल्स हैं कि कैसे इस तरह सिविल सर्विस में, जैसे मुझे बहुत ज्यादा मुख्तार मसूद साहब पसंद थे और मसूद खदर पोस्ट पसंद है, हमारे बड़े सीनियर हैं, और उसके बाद भी जो बात की ब्यूरोक्रेसी है उसमें कामरान लशारी साहब बड़े आइकॉन हैं हमारे इस्लामाबाद के अंदर, चेयरमैन CDA भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं, इस्लामाबाद के बनाने में उनका बड़ा रोल है। और उसके अलावा मेरे अभी भी सीनियर्स हैं, मेरे एक सीनियर जबाद पॉल साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं PM ऑफिस में, मुझे बड़े पसंद हैं और मैं एस्पायर करता हूँ कि मैं जैसे बन सकूँ, बड़े कॉम्पिटेंट हैं। इवन मेरे अभी जो कमिश्नर, अपने मेरे कमिश्नर हैं, वो भी एक बड़े वर्कहोलिक और बड़े ही फोकस्ड इंसान है, जिंदगी में मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। तो ये आइडियाज तो बहुत सारे हैं, बचपन से कोई ऐसी इंस्पिरेशन होना, कोई इस तरह की इंस्पिरेशन तो नहीं थी कि मैं वैसे बनना चाहता हूँ, क्योंकि इतना तो मैं नहीं समझता कि किसी के जहन में बचपन से कोई आइडियल हो और फिर वो उसी को ही लेके चलता रहे। ये होता है किसी को क्रिकेटर का, कोई क्रिकेट में खेलना चाहता है तो उसके जहन में होता है कि मैं इमरान खान बन जाऊँ, कोई पॉलिटिशियन है तो उसके जहन में होगा कि मैं फलां बड़ा लीडर बन जाऊँ या महातीर मोहम्मद बन जाऊँ, तो वो आइडियल्स चेंज होते रहते हैं। अभी जो मेरी इंस्पिरेशन है काम करने की, देखिए हमारे, मैंने बताया ना कि जिसके जहन में, जिसके दिल में पब्लिक सर्विस है कि मैं पब्लिक सर्विस की स्पिरिट है, मैं करना चाहता हूँ अवाम की खिदमत, तो मेरा तो हर रोज का यही काम है और वही मुझे इंस्पायर करती है कि अगर मैं किसी की मुसीबत में उसकी मदद कर रहा हूँ तो ये तो दीन और दुनिया दोनों का फायदा ही फायदा है इसमें, और मेरी जॉब भी है ये, तो मेरे तो लिए तो ये आसान है इससे अपने अंदर से इंस्पिरेशन ढूंढना। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? बार बार आपको आना पड़ता है जैसे आपने पहले भी बताया, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ आपका? तो उसको पीछे कर दीजिए। नहीं, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने आपको बताया कि वाइस चांसलर साहब के साथ मैं मिलता रहता हूँ, मैं बड़ा इंस्पायर्ड भी हूँ उनकी पर्सनैलिटी से और बड़ी चेंजेस लेके आ रहे हैं। उसके अलावा जो आपका सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है वहां पर भी मैं आया हूँ, उनके साथ एक MOU भी किया है, इस्लामाबाद की ट्रैफिक प्लानिंग के ऊपर मैंने काम किया डॉक्टर जमान साहब के साथ। आपकी जो स्टूडेंट बॉडी है बड़ी वाइब्रेंट है, बड़े जबरदस्त, जब भी इंटरेक्शन होता है तो बड़े मोटिवेटेड लड़के लड़कियां
जज्बाती हैं, और बल्कि कई दफा हमने वहां पे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया तो उन्होंने बड़े हमें पत्थर भी मारे, हमें भी पत्थर लगे, मेरी गाड़ी को भी पत्थर लगे, तो वो वाइब्रेंट है, विच आई अप्रिशिएट कि होना भी ऐसे ही चाहिए। जब तक वाइब्रेंट नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन ये मुझे है कि थोड़ा सा देखें, यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में एक डिसिप्लिन होता है, उनके अपने रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। यानी कि जो आपकी जो एकेडमिक या आपकी मैनेजमेंट है जो फैसले कर रही है उनको मानना जरूरी है। वहां पे जब लड़के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोवोस्ट या इस तरह के उनके फैसलों को नहीं मानती और उसमें फिर पुलिस और इंतजामिया को दावत दी जाती है, तो उस पर मुझे अफसोस होता है कि यार ये बच्चों को ये नहीं करना चाहिए। ये यूनियन बाजी या सुबाइयत करना, शायद इससे बेहतर और भी तरीके हैं जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। आप आर्ट्स करें, आप ड्रामेटिक्स करें, आप लिटरेचर करें, आप तकारीर करें, आप गाने गाएं, आप इंजॉय करें। लेकिन ये कि जी इंतजामिया से लड़ना, पुलिस से लड़ाई करना, यूनियन बाजी करके बदमाशी करना, वो शायद मुनासिब नहीं। अच्छा, तनख्वाह जब आती है तो क्या सारी की सारी ही बाबी को कहते हैं कि जी ये नहीं जी मुझे भी इसमें से दें कि मैं भी अपने खराजत करूं, या कहते हैं ठीक है डीसी हो तो बस बाजे अपने अकाउंट पे जो मर्जी करूं मैं? नहीं यार, मैं बताऊं कि तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। मेरी बेगम जो है वो भी काम करती है, बिजनेस करती है, उसका ब्रांड है अपना डिजाइनिंग का, डिजाइनिंग करती है। फिर ये है कि कुछ हमारा ताल्लुक क्योंकि जमींदार खानदान से है, वालिद साहब की भी जमीनें हैं, कुछ बस उसी से गुजारा हमारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ कभी कभी ये होता है कि मैं कंसल्टेंसी कर लेता हूँ, कभी लेक्चर्स वगैरह दे देता हूँ, उससे भी गुजारा हो जाता है। लेकिन मैं कोई बहुत पैसा इकट्ठा करना या पैसे को अपने हाथ में रखने पे बिलीव नहीं करता। मेरे घर में मेरी वालदा भी जो थी, घर की फाइनेंस मिनिस्टर वही थी, फाइनेंसेस वही चलाती थी। मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे लेकिन सारा पैसा वो अपनी मेरी वालदा के हाथ में ला के रखते थे और वही उसको स्पेंड करती थी। इस तरह मेरे घर में भी मेरी जो सारी सैलरी है उसका कार्ड और सब कुछ मेरी बेगम के पास होता है और वो अपनी मर्जी से जैसे स्पेंड करना चाहती है घर को चलाने में, वो ये उसका काम है, वो खुद अच्छी तरह उसमें चलाती है और हम दोनों मिलके उसमें काम करते हैं। और मैं बिलीव भी यही करता हूँ कि मियां बीवी दोनों गाड़ी के दो पहियों की तरह है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है, दोनों इकट्ठे मिलके चलेंगे तो एक अच्छी पीसफुल लाइफ होगी। और कोई घर में पीसफुल होगा तभी जाके वो ऑफिस में या सरकारी नौकरी ठीक कर सकेगा, जो घर में तंग है तो वो ट्रू बिल्कुल। तो सर आइंस्टाइन के हवाले से जो एक सेशन मैंने शुरू किया था, मैंने कोविड और मेरा जो ताल्लुक है वो साउथ पंजाब फोटाबाद से है, इट इज द लास्ट सिटी ऑफ पंजाब, वहाँ पे बड़े बड़े किले हैं, रेगिस्तान है। बेसिकली आई एम कायदियन, अब मैं एक्स हो गया हूँ, मेरी डिग्री वहीं से है। तो हम लोगों ने ये शुरू किया कि जी एक्स कायदियन को बुलाएं, वो अपना लेक्चर दे बच्चों को कोविड के दिनों में। फिर अब हम लोगों ने बाकी को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, आप जैसे खूबसूरत लोगों को जो आकर लोगों को बताएं कि स्ट्रेस से कैसे दूर होना है, कामयाबी क्या है। तो आप क्या समझते हैं किस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए, कोई दो लाइनों का मैसेज आपका? यार बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं शबीर, आप बड़े वाइब्रेंटली, मैं तो आपको एक साल से आपके साथ ताल्लुक है, जिस तरह आपने सोशल मीडिया में काम किया, पॉजिटिव एक्टिविटी काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे भी आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे, बाकी लोगों की तरह घर में बंद हो सकते थे, खुद डिप्रेशन का शिकार हो सकते थे, लेकिन आपने ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको कहता हूँ कि आप अप्रिशिएट करें शबीर को, ही इज अ यंग एंटरप्रेन्योर, यंग एनर्जेटिक बॉय और बड़ा पॉजिटिव है। आपने हमेशा, जब भी मैं कायदा यूनिवर्सिटी में इश्यूज होते हैं आप उसमें मुझे गाइड भी करते हैं, बताते हैं, तो मैं बहुत आपको सलूट पेश करता हूं जो आपका ये इनिशिएटिव है, इसको जरूर आपने जारी रखना है और इसी तरह लोगों को बुलाते रहें और अच्छी बातें खुशबू की तरह फैलाते रहें। जी बहुत शुक्रिया जी, आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब मोहम्मद हमजा शक्कात साहब, बड़ी खूबसूरत बातें की, हो सकता है कि बहुत सारी बातें जो आज हमने इनके साथ की हैं वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में आपको ना मिली हो। उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, नौजवानों को बताया कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के उन रास्तों पर चल सकते हैं। वंस अगेन हमजा शक्कात साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती होता है और वीकेंड तो वाकई बहुत कीमती होता है, लेकिन आपने मोहब्बत दी, आपने प्यार दिया और आज आप हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह दोबारा अगले हफ्ते हम दोबारा किसी मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और इसी तरह अच्छी बातों को खुशबू की तरह फैलाते रहेंगे ताकि हमारी बात जहाँ पर पहुंचे वो सदकाए जारी हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू।